बट गाइस फाइनली हमारे घर में आ गई एक नई कार जो कि है टाटा टियागो XT अपडेटेड वर्जन एंड टुडे आई एम गोना मेक सम वॉक अराउंड एंड टेस्ट ड्राइव वीडियो ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार। सो पहले एक बढ़िया सा लोकेशन पे चलते हैं एंड उसके बाद मैं आप लोगों को एक कार दिखाऊंगा एंड कुछ अच्छी चीज़ें इस कार के बारे में शेयर करूंगा। सो या स्टिक अराउंड विद द वीडियो। ओके सो ऑल राइट गाइज फाइनली आ गए एक बढ़िया सा लोकेशन पे एंड गाड़ी जो है ये मेरे पीछे खड़ी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो नाउ यू ऑल कैन हैव अ लुक ऑफ इट गाइज। सो आप लोगों ने इसका सिनेमैटिक्स तो देख ही लिया होगा एंड कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसके बारे में जो कि आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो या इट्स टाटा टियागो XT अपडेटेड वर्जन एंड कुछ ही दिन पहले ये शोरूम से निकल के आई है एकदम चकाचक। एक भी मतलब एक्सेसरीज इसमें नहीं लगी है एक्सेप्ट ये थोड़ा बहुत इसमें साइड प्रोटेक्टर्स वगैरह लगा के मैं लाया हूँ सिलीगुड़ी से। सो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक इसको मैंने चलाया एंड मतलब हिल्स का भी रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा हिल्स में ये गाड़ी कैसा है एंड वैसे तो मैं एक प्रोफेशनल मतलब रिव्यू में नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मुझे जो फील हुआ बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा गाइज। एंड या इट्स टाटा टियागो XT अपडेटेड वर्जन। सो इसका जो लुक है गाइज वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। सो इसका शार्क टाइप का लुक है लाइक आगे का जो है ये शार्क जैसा दिखता है एंड इसमें हम लोगों को फ्रॉग आई हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। सो इट्स अ BS6 मॉडल एंड इंजन काफ़ी स्मूथ है इसका एंड जैसा कि मैंने बोला कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक मैं इसको चला के आया। सो हम लोग पाँच जन थे लाइक इसका जो मैक्स कैपेसिटी है वो 5 है जैसे कि आगे 3 एंड ड्राइवर के साथ 5। सो कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ा एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन इट हैव गॉट 85 BHP ऑफ पावर विथ 113 Nm ऑफ टॉर्क एंड इट्स अ 3-सिलेंडर कार। सो गाइस सेफ्टी के मामले में हम लोगों को आगे में फ्रंट एयरबैग्स मिल जाते हैं एंड ABS विथ स्टेबिलिटी कंट्रोल स्पीड अलर्ट एंड और भी बहुत सारे सेंसर्स हम लोगों को इसमें मिल जाते हैं। सो या यही सब कुछ था गाइस इसका बेसिक एंड मैं अंदर का भी थोड़ा लुक आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो सो गाइज लाइक अभी इसका जो दरवाज़ा खुला है तो इसीलिए इसमें अलार्म बजने लग रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रिमाइंडर्स हैं एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो गाइज क्या ही बताओ इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो इसका जो की है की भी एकदम शानदार है जैसे कि ऐसा टाइप का है लाइक ये कंपनी से ही आया है एंड इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं दिखा देता हूँ गाइज क्या कूल लाइक कूल एनिमेशन इसमें लगा है जो कि बहुत ही अच्छा है एंड हम लोग इसमें हरमन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। एंड गाइज मुझे जो कुछ भी पता था बेसिक चीज़ें इस कार के बारे में वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी आप लोग गूगल कर सकते हैं क्योंकि मैं प्रोफेशनल रिव्यू नहीं देने वाला हूँ। सो ऑलराइट गाइज मैं अभी आप लोगों को इसका साउंड सुना देता हूँ। सो साउंड भी बहुत ही अच्छा है, ये BS6 है तो उतना मतलब लाउड भी नहीं है, एवरेज है। सो गाइज ये था इस कार का साउंड एंड साउंड एकदम जैसे कि मैंने बोला इतना ज़्यादा लाउड भी नहीं है, BS6 है तो एवरेज है। एंड माइलेज की बात करूँ तो गाइज हिल्स में ये गाड़ी 10 से 12 ही दे रही है अभी एंड वैसे तो गूगल में देखा था मैंने 20-25 मुझे दिखा था लेकिन वैसा है नहीं गाइज।
सो या अभी चलते हैं यहाँ से एंड अभी मेरे को जाना है वापस सिलीगुड़ी जैसे कि मैंने बोला। सो या अभी चलते हैं। ओके पिकअप काफ़ी फास्ट लगा मुझे एंड जैसा कि मैंने बोला कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक हम लोग फुल पैक थे गाड़ी में एंड पिकअप एकदम फास्ट ले रहा है, जैसे कि 113 NM का टॉर्क है इसमें एंड टॉर्क और BHP का प्रॉपर मिश्रण है। सो इसीलिए पावर में मुझे कोई भी कमी नहीं लग रहा है। गाइज इसका जो हॉर्न है वो मुझे थोड़ा सा एक लाइक खटक लगा मन में, क्योंकि हॉर्न जो है वो बहुत ही लाउड नहीं है। सो वैसे तो इसको मॉडिफाई करा सकते हैं हम लोग। एंड गाइज इसमें स्टीयरिंग में भी आपको जो है ये म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल्स मिल जाएगा, यहाँ देखा था। सो ऐसे वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ब्लूटूथ वगैरह का कनेक्टिविटी, कॉल वगैरह उठा सकते हैं यहीं से। सो अभी मैं हिल्स में चला रहा हूँ गाड़ी एंड हिल्स का रिव्यू YouTube पे कम ही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक हिल्स का रिव्यू दे दिया जाए। अगर आप हिल्स के लिए ले रहे हैं ये गाड़ी तो बहुत ही अच्छा है।